आपको पता है कि जब हम तिलक लगाते हैं तो यहाँ जो सेंसिटिव स्पॉट है ये हमारी अवेयरनेस में हमारी ऊर्जा को एक्टिवेट करने में मदद करता है। यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी एंड सीट ऑफ कॉन्शियसनेस का भी पॉइंट है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे तिलक या बिंदी के फॉर्म में लगाते हुए देखते हैं। लेकिन अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी का तो आप यहाँ पे ऑरेंज कलर का तिलक लगाएं, जैसे हनुमान जी ने राम जी के लिए ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया था, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को, आपकी विल पावर को एक्टिवेट करता है। अगर आप लेजी हैं और आप एक्शन नहीं लेते तो रेड कलर का सिंदूर लगाइए ताकि मंगल स्ट्रांग हो। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं तो तुलसी का थोड़ा सा जूस निकालकर यहाँ पे लगाइए ताकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। इमोशनली इम्बैलेंस्ड है तो तिलक में चावल मिलाकर यहाँ पर लगाइए ताकि इमोशनली बैलेंस हो। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा रहती हैं तो चंदन का तिलक लगाइए ताकि राहु बैलेंस हो। अगर विजन क्लैरिटी विजडम चाहिए, इंटेलेक्ट को बढ़ाना है तो यहाँ पर केसर का तिलक लगाइए। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी काम को करते हैं और अधूरा छोड़ देते हैं तो आपको केतु को स्ट्रेंथ देने की जरूरत है, तो यहाँ पे हल्दी का तिलक लगाइए। सही तिलक को सही जगह पर लगाने से सही काम में मदद मिलती है।